आपको परेशान करने वाले सवाल का जवाब ये रहा, क्या उन्हें सच में मारियाना ट्रेंच में एक मेगलोडॉन मिली? कई अलग अलग वेबसाइट्स पर मेगलोडॉन को देखे जाने की रिपोर्ट मिल सकती है। साइंस हमें बताता है कि मेगलोडॉन अब गायब हो चुकी है, लेकिन क्या वे ओशन के गहरे हिस्सों में जिंदा हो सकती हैं? शार्क ने इंसान को हमेशा आकर्षित किया है। जितनी बड़ी शार्क, उसके बारे में जानने की इच्छा उतनी ही ज्यादा होती है। ये देखते हुए कि मेगलोडॉन काफी बड़ी शार्क थी और उसकी खास आदत थी खाने की, हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये अभी भी ओशन में घूम रही है तो इसे किसी ने अब तक देखा होता, लेकिन शायद तब नहीं जब वो धरती की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच में रह रही हो। आइए देखते हैं कि जो हमने सुना है क्या वो सच है। कई ऐसे शक्की लोग भी हैं जो मेगलोडॉन के होने पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, लेकिन हमें पता है कि मेगलोडॉन शार्क 2,30,00,000 साल पहले ओशन में घूमती थी और हमारे पास उनकी मौजूदगी को साबित करने के लिए उनके फॉसिल्स भी हैं। जब लोगों ने पहली बार मेगलोडॉन का दांत देखा, उन्होंने मान लिया कि ये चंद्रमा से धरती पर आई कोई चट्टान है, लेकिन बरसों के बाद नेचुरलिस्ट ने इस फॉसिल दांत को शार्क से जोड़ा और फिर मेगलोडॉन से। मेगलोडॉन ओशन में दहशत फैलाने वाली सबसे बड़ी शार्क थी और माना जाता है कि ये 2,600,000 साल पहले गायब हो गई थी। मेगलोडॉन नाम का मतलब है बिग बक्स। नहीं नहीं, मेरा मतलब है बिग टूथ। मेगलोडॉन के ज्यादातर मिले फॉसिल दांत 4 से 5 इंच के हैं, लेकिन उनमें से कुछ दांत 7 इंच वाले भी हैं। क्या आप जानते हैं कि मेगलोडॉन की बाइट टायरानोसॉरस रेक्स से भी ज्यादा पावरफुल थी? कंप्यूटर सिमुलेशंस का अनुमान है कि मेगलोडॉन के काटने में 24,000 से 40,000 पाउंड की फोर्स थी। इन आंकड़ों के साथ हम ये यकीन करते हैं कि मेगलोडॉन किसी भी चीज से बच सकती है, लेकिन हम इस बात पर क्यों यकीन करते हैं कि मेगलोडॉन अब भी मौजूद है? क्या ऐसी सिचुएशन पहले भी आई है? इसका जवाब है हाँ। जायंट स्क्विड एक मिथक जानवर है, या माना जाता है कि वो भी गायब हो चुका है। वैज्ञानिकों ने आखिरकार उनके होने के बारे में वेल्स के किनारे तक बहकर आई बॉडी और उन पर पड़े निशानों से जाना। अंत में दुनिया को 2006 में जायंट स्क्विड की झलक देखने को मिली जब जापानी रिसर्चर्स ने उसे कैमरे में कैद कर लिया। 59 फीट की लंबाई और लगभग 1 टन वजन वाली जायंट स्क्विड धरती पर सबसे बड़ा इनवर्टेब्रेट है। तो फिर अगर जायंट स्क्विड सैकड़ों सालों तक इंसानों की नजर से छुपी रही, तो कौन कह सकता है कि वहां पर मेगलोडॉन नहीं हो सकती? अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि मेगलोडॉन जिंदा है या नहीं, तो याद रखने लायक 2 बड़े फैक्टर हैं। पहले मेगलोडॉन के साइज के बारे में पता करते हैं। क्या आपको याद है कि हमने कहा था कि मेगलोडॉन की बाइट टी रेक्स से ज्यादा ताकतवर थी? हमें याद रखना चाहिए कि टायरानोसॉरस रेक्स एक विशाल क्रिएचर था, लेकिन अगर आप टी रेक्स से मेगलोडॉन का मुकाबला करते हैं तो आपको शायद इस बात का अंदाजा हो जाए कि असल में मेगलोडॉन कितना बड़ा था। मेगलोडॉन 60 फीट तक बड़ा हो सकता था, टी रेक्स के साइज से 3 गुना। तो फिर आप जानते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा? चलिए अब ईस्ट की तरफ चलते हैं, सीधे मारियाना आइलैंड्स की तरफ। अगर हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं पैसिफिक ओशन की तरफ, तो हमें मारियाना ट्रेंच मिलता है, ओशन का सबसे गहरा हिस्सा और धरती की सबसे गहरी जगह। मारियाना ट्रेंच लगभग 7 मील गहरा है और 1500 मील लंबा और 43 मील चौड़ा है। इस गहराई को ध्यान में रखते हुए अगर आप माउंट एवरेस्ट को मारियाना ट्रेंच में डाल देते हैं तो उसका टॉप फिर भी बाहर निकला रह जाएगा। लंबाई को ध्यान में रखते हुए देखें तो 1500 मील में फ्लोरिडा और मैसाचुसेट्स के बीच के सारे स्टेट इसमें समा सकते हैं। स्पेन के मैड्रिड और डेनमार्क के कोपेनहेगन के बीच की दूरी भी 1500 मील है। मारियाना ट्रेंच के साइज को ध्यान में रखते हुए, क्या आपको लगता है कि मेगलोडॉन लोगों की जानकारी में आए बगैर वहां रह रही होगी? यकीनन हम ऐसा ही सोचते हैं। इसके साथ ही दूसरी बातों पर भी विचार करना होगा। आइए मारियाना ट्रेंच में लाइफ की कंडीशन के बारे में पता लगाते हैं। क्या वहां पर जीवन हो सकता है?
हम जानते हैं कि मारियाना ट्रेंच लगातार अंधेरे में रहने वाली जगह है, जहां पर प्रेशर 8 टन प्रति स्क्वायर इंच तक है। ओशन के फ्लोर में वेंट्स हैं, जो 572 डिग्री फारेनहाइट के तापमान पर हाइड्रोजन सल्फाइड और दूसरे मिनरल्स रिलीज करते हैं। मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहा जाता है। नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 3 लोग ही चैलेंजर डीप की गहराई में उतर पाए हैं। चैलेंजर डीप में पहुंचने वाले पहले 2 लोगों ने एक मछली को देखा और ये साबित किया कि ओशन की काफी ज्यादा गहराई में भी जीवन मौजूद हो सकता है। अब हम जानते हैं कि हजारों की संख्या में इनवर्टेब्रेट्स और मछलियां मौजूद हैं। मारियाना ट्रेंच में होलोथुरियंस नाम के अजीब ट्रांसपेरेंट जैसे दिखने वाले जानवर, जेलीफिश की नई स्पीशीज, घोसली व्हाइट ऑक्टोपस और कई दूसरे जीव मौजूद हैं, और इनमें से कुछ जानवरों की उम्र काफी लंबी होती है। क्या मैगलोडॉन इन हालातों में जिंदा रह सकता है? अगर वहां पर नीचे कोई मैगलोडॉन रह रही होगी तो वो हमारी सोच से काफी अलग होगी। मारियाना ट्रेंच में जिंदा रहने के लिए मैगलोडॉन ने उन हालातों को अपना लिया होगा और वहां विकास कर रही होंगी। उसने अपने डाइट में से वेल्स, डॉल्फिन, सी लायंस और सी काऊ को निकालकर मारियाना ट्रेंच में जो भी ऑर्गेनिज्म रहता होगा उसे खाना सीख लिया होगा, और उम्मीद है कि उन्हें उनके सामान्य 2,500 पाउंड रोजाना खाने की खुराक मिल रही होगी। अगर मैगलोडॉन मारियाना ट्रेंच में विकास कर रही हैं, तो ये कल्पना करना आसान है कि ये एक काफी बड़ी बायोल्यूमिनेसेंट शार्क है, जो सैकड़ों सालों तक ट्रांसलूसेंट ऑर्गेनिज्म को खाकर जिंदा रह सकती है, लेकिन ये सब केवल अंदाजे ही हैं। 1995 में फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने अपने ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए 12 इंसानों वाली सबमर्सिबल डाइव्स लगाई ताकि टाइटैनिक के टुकड़ों के नमूने इकट्ठा कर सकें और उनकी फुटेज रिकॉर्ड की। 2012 में पानी के नीचे खोज की जानकारी रखने वाले कैमरॉन मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में पहुंचने वाले 3 लोगों में से एक बने। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक आज दुनिया में 7.6 अरब लोग हैं और उनमें से केवल 3 लोग ही धरती के सबसे गहरे पॉइंट पर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। सच्चाई यह है कि इतनी कम रिसर्च के साथ ये पता लगाना नामुमकिन है कि मारियाना ट्रेंच की गहराई में क्या छिपा है। शायद हम जेम्स कैमरॉन और उनकी टीम से पूछ सकते हैं कि जब वे लोग वहां पर थे तो क्या उन्होंने तेजी से जाती मैगलोडॉन की पूंछ को देखा था। शायद आपको मारियाना ट्रेंच में मैगलोडॉन की खबरें सुनाई देती रहें, लेकिन इन खबरों की सच्चाई का पता लगाने के लिए वहां चले मत जाना। मारियाना ट्रेंच अब अमेरिका का प्रोटेक्टेड जोन है और अब जरूरी है कि रिसर्च रिक्वेस्ट US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस और फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया के जरिए भेजी जाए। तब भी चाहे मारियाना ट्रेंच में मैगलोडॉन के रहने की खबरें सही हो या नहीं, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो ये मानना चाहेंगे कि ये सच है।